हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। जी दोस्तों, बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के ऊपर। जी बिल्कुल, देखने की कोशिश करेंगे भाई बेबी डोज कॉइन किन हालत के साथ चल रहा है, क्या क्या कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या क्या अपडेट्स देखने को मिल रही है, क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, किस तरह बेबी डोज कॉइन की प्राइस मूव कर रही है, क्या न्यूज है, तो वो सारी की सारी बातें होंगी इसी वीडियो में। जैसे पहले कि मैं अपनी बेबी डोज की वीडियो की तरफ मूव करूँ, अपने टॉपिक की तरफ मूव करूँ, रिक्वेस्ट यू भाई, आप लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, यहाँ तक वीडियो देख ली और सब्सक्राइब के बटन को नहीं दबाए तो जल्दी जल्दी जाकर सब्सक्राइब करो, मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे क्रिप्टो बॉक्सेस के जो बाइनेंस के क्रिप्टो बॉक्सेस होते हैं उसके कोर्स होते हैं, एयरड्रॉप्स होते हैं, वहीं पे जो नई नई वीडियोस के ऊपर डिस्कशन होती रहती है, नई नई चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो सारी की सारी चीज़ें आप मिस करें, तो जल्दी जल्दी जाके मेरा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करें। और यहाँ पे छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि भाई मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, जब भी जाना है जहाँ पे भी आपको पैसा लगाना है अपनी मर्जी से लगाना है। तो भाई बात करेंगे बेबी डोज कॉइन के ऊपर, देखने की कोशिश करेंगे पहले मार्केट को। जो हमारा बीटीसी भाई जान है वो 29,473 डॉलर में चल रहा है, जो 2.40% 0.4% 24 घंटों में बढ़ चुका है। उसके बाद हमने देखा कि 1960 डॉलर पे हमारा इथेरियम चल रहा है जो 1.64% बढ़ चुका है। वहीं पे बीएनबी 325 पे चल रहा है जो 1.60% डाउन जा चुका है। एक्सआरपी 2.96% बढ़ चुका है जो 0.47 डॉलर के साथ प्राइस के साथ चल रहा है। कार्डानो 0.4 पे चल रहा है। तो इस तरह ओवरऑल जो हमारी मार्केट है वो मूव कर रही है। तो मार्केट के साथ हम देखने की कोशिश करेंगे फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स को, जो आज चल रहा है 64 स्कोर के साथ ग्रीड में, जो लास्ट मंथ था 57 स्कोर के साथ ग्रीड में। और कल का दिन की अगर मैं बात करूँ तो 59 स्कोर के साथ हमें ग्रीड में देखने को मिला था, और लास्ट मंथ ये 50 स्कोर के साथ हमें न्यूट्रल पोजिशन में देखने को मिला था। तो भाई बात करेंगे बेबी डोज कॉइन की, देखेंगे बेबी डोज कॉइन की हालत के साथ चल रहा है। तो भाई बेबी डोज कॉइन 215 नंबर पर रैंक कर रहा है, 0.4 जीरोस के बाद 2926 इसकी करंट प्राइस है, 2.81% डाउन जा चुका है। बीटीसी के हिसाब से 4.82%, इथेरियम के हिसाब से 4.43% जो है वो डाउन जा चुका है। तो यहाँ पे इसका अगर मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ देखने को मिल रहा है, जो ऑलमोस्ट 36.67% जो है वो डाउन जा चुका है। अब देखने न्यूज़ देखने की कोशिश करेंगे क्या क्या न्यूज़ है हमें बेबी डोज कॉइन को लेके देखने को मिलेगी। एक तो भाई इसका जो कार्ड आने वाला है उसको लेके काफ़ी यूजर्स एक्साइटेड हैं, जो एक बहुत बड़ा होगा जिसको आप रीफिल भी कर सकेंगे, जिसको आप गूगल पे एप्पल पे पे और अक्रॉस द वर्ल्ड जो है आप इसको यूज़ भी कर सकेंगे। तो भाई यहाँ पे एक और मुझे देखने को मिली, इंटीग्रेशन अलाउ न्यू प्रोजेक्ट सीमलेसली लॉन्च है, जी बिल्कुल प्री सेल वर्ल्ड की तरफ से आ गया, जिन्होंने बेबी डोज कॉइन की जो पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है जो प्री सेल वर्ल्ड के साथ, जो एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि जो बेबी डोज है वो नई नई कंपनीज के साथ नई नई ब्रांड्स के साथ जो है वो आए दिन पार्टनरशिप्स वगैरह करता रहता है। तो हमने देखा कि भाई प्री सेल के साथ इसकी पार्टनरशिप देखने को मिली, उसके बाद एलवी चेन के साथ बेबी डोज कॉइन ने पार्टनरशिप की, जिसमें तकरीबन हमने देखा कि भाई 350,000 डॉलर की जो इथेरियम टोकन है उनको लॉक किया गया है एलवी चेन की तरफ से बेबी डोज स्वैप पे। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट में देखने को मिली है कि भाई इतनी बड़े बड़े जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो बेबी डोज कॉइन के ऊपर इतना बिलीव करते हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स के जो वर्थ के जो टोकन है वो यहाँ पे लॉक कर रहे हैं। तो वहीं पे अगर मैं मजीद बातें शेयर करना चाहूँ तो भाई कॉइन रैपिड ने ये कंफर्म कर लिया है कि भाई आपने कहा, हमने आपकी बात सुन ली, और वो क्या करने जा रहा है कि भाई बेबी डोज कॉइन को जो अपनी प्लेटफॉर्म में इस अप्रैल के मंथ में लिस्ट करने जा रहा है। तो भाई हमें देखने को मिला है 28 अप्रैल चल रही, तो इट मीन कि हमें आने वाले 2 दिन में बेबी डोज कॉइन की हमें एक और जगह लिस्टिंग देखने को मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिलेगी कि भाई हर एक्सचेंज जो है बेबी डोज कॉइन को सपोर्ट कर रही है, हर एक्सचेंज चाहती है कि भाई बेबी डोज कॉइन हमारी प्लेटफॉर्म पे लिस्ट हो। उसके बाद तकरीबन जो बेबी डोज कॉइन की जो NFTs कलेक्शन है वो तकरीबन 68 नंबर पर रैंक कर रहे हैं ओपन सी पे। और हमने देखा चेन गेट के साथ जो एक बहुत बड़ा AI का प्रोजेक्ट है, Web3 का प्रोजेक्ट है, उसके साथ भी हमें बेबी डोज कॉइन की पार्टनरशिप देखने को मिली थी। दोस्तों ये कुछ छोटी मोटी बातें थी बेबी डोज कॉइन के रिलेटेड, तो मैंने सोचा कि ना आपके साथ शेयर की जाए। मुझे भी नहीं छोटी सी वीडियो थी लेकिन आपको पसंद आई और आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, तो मैं फिर मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको अपना ख्याल रखना है। प्लीज़, थैंक यू।